At the simplest level, you could say that understanding Indian society and its structure provides a sort of social map on which you could locate yourself. Simple shabdon mein kahein, to Indian society ka matlab hai, ya Indian society ko agar samajhna hai, अच्छे तरीके से उसके स्ट्रक्चर को समझना है अच्छे तरीके से, तो एक तरह का एक सोशल मैप हमें मिलना चाहिए, या वो हमें सोशियोलॉजी जो है एक ऐसा सोशल मैप प्रोवाइड करती है जहाँ पर हम खुद खुद को लोकेट कर सकते हैं. लाइक विद द ज्योग्राफिकल मैप, लोकेटिंग वन सेल्फ ऑन द सोशल मैप कैन बी यूजफुल इन द सेंस दैट यू नो वेयर यू आर इन रिलेशन टू अदर्स इन सोसाइटी. ये बिल्कुल ज्योग्राफिकल मैप की तरह अगर हम सोशल मैप पे भी अपने आप को लोकेट कर पाए तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा इस सेंस में, क्योंकि यहाँ पर रहकर आपको ये पता चलेगा, आपकी लोकेशन से आपका ये आइडिया लगेगा कि बाकी लोग जो हैं सोसाइटी में उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू लिव इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. एग्जाम्पल के तौर पर आप मानो आप अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में रहते हो. इफ यू लुक एट द ज्योग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया, यू नो दैट योर स्टेट इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया. अगर आप ज्योग्राफिकल मैप से देखो तो आपका जो स्टेट है वो नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में आता है इंडिया के. यू ऑल्सो नो दैट योर स्टेट इज स्मॉल कम्पेयर टू मेनी लार्ज स्टेट्स सच एज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान. अगर अब आप साइज को कंपेयर करोगे तो आपका जो स्टेट है वो बहुत छोटा है बड़े बड़े स्टेट के मुकाबले में, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया. बट इट इज लार्जर देन मेनी अदर स्टेट्स सच एज मणिपुर, गोवा, हरियाणा और पंजाब. लेकिन अगर औरों से कंपेयर करो, बड़े बड़े स्टेट से कंपेयर करोगे तो आपका छोटा दिखेगा, पर यहीं पर अगर आप छोटे स्टेट से कंपेयर करोगे तो आपका काफी बड़ा होगा. जैसे कि मणिपुर, गोवा, हरियाणा, पंजाब ये सब छोटे स्टेट हैं, उस मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश एक बड़ा स्टेट है. इफ यू लुक एट द फिजिकल फीचर्स मैप, इट कुड टेल यू वॉट काइंड ऑफ टेरेन अरुणाचल है कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स एंड रीजन ऑफ इंडिया. अब यहीं पर अगर आप फिजिकल फीचर्स वाला मैप उठाते हो तो आपको ये पता चलेगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ का टेरेन यानी कि वहाँ की पहाड़ियाँ कैसी हैं, वहाँ के जंगल कैसे हैं, वो कंपेयर करोगे और बाकी स्टेट से या जो और बाकी रीजन है इंडिया में उनसे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका टेरेन कैसा है. एंड वॉट नेचुरल रिसोर्सेज इट इज रिच इन एंड सो ऑन. साथ ही साथ आपके यहाँ कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं. अ कंपेरेबल सोशल मैप वुड टेल यू वेयर यू आर लोकेटेड इन द सोसाइटी. ये जो कंपेयर करने के लिए जो सोशल मैप्स होते हैं वो ये बताते हैं, या ऐसा सोशल मैप जिसमें आप कंपेयर कर सको तो वो ये बताते हैं कि सोसाइटी में आप कहाँ हो. फॉर एग्जाम्पल, एज अ 17 और 18 ईयर ओल्ड यू बिलोंग टू द सोशल ग्रुप कॉल्ड यंग पीपल. जैसे सपोज करो कि एग्जाम्पल के तौर पे आपकी उम्र जो है 17 से 18 साल की है, तो आप जो है यंग पीपल के सोशल ग्रुप को बिलोंग करते हो. पीपल योर एज योर और यंगर अकाउंट फॉर अबाउट 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. जो आपकी उम्र के ज्यादातर लोग या आपसे छोटे उम्र के लोग जो हैं वो लगभग इंडिया की पॉपुलेशन के 40% है. यू माइट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रीजनल और लिंग्विस्टिक कम्युनिटी सच एज अ गुजराती स्पीकर फ्रॉम गुजरात और अ तेलुगु स्पीकर फ्रॉम आंध्र प्रदेश. अब आपका ये जो रीजन है ये पर्टिकुलर रीजन होगा या आपकी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होगी जहाँ पर एक भाषा बोली जाती होगी. जैसे कि हो सकता है आप गुजरात से हो तो आप गुजराती बोलते हो, या फिर आप आंध्र प्रदेश से हो तो आप तेलुगु बोलते हो. डिपेंडिंग ऑन योर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन एंड योर फैमिली इनकम यू वुड ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ एन इकोनॉमिक क्लास सच एज लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास. अब आपके पेरेंट्स की कैसी जॉब है, आपके पेरेंट्स कितना कमाते हैं, आपके घर की एक फैमिली इनकम क्या है, उससे पता चलेगा कि आप किस इकोनॉमिक क्लास के मेंबर हो. आप लोअर ग्रुप को बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास को बिलोंग करते हो या अपर क्लास को बिलोंग करते हो. यू वुड बी अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, अ कास्ट और अ ट्राइब और अदर सच सोशल ग्रुप. आप जो है मेंबर हो सकते हो एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाली कम्युनिटी के, एक कास्ट के, एक ट्राइब के, या फिर ऐसे ही किसी सोशल ग्रुप के. ईच ऑफ दीज आइडेंटिटीज वुड लोकेट यू ऑन अ सोशल मैप एंड अमंग द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. अब ये जितनी भी पहचान है इससे आपको पता चलेगा कि आप सोशल मैप में कहाँ हो और आपके आस पास जो है जो सोशल रिलेशनशिप का जाल है वो कैसा है. सोशियोलॉजी टेल्स यू अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप्स और ग्रुपिंग्स आर देयर इन द सोसाइटी.
what your relationships are to each other and what this might mean in terms of your own life. Sociology आपको बताती है कि किस तरीके के groups या groupings हैं society के अंदर, उनके relationships आपस में कैसे हैं और अपनी life से अगर हम देखें तो उनके क्या मायने हैं. But sociology can do more than simply help to locate you or others in this simple sense of describing the places of different social groups. पर sociology जो है इससे कहीं ज़्यादा आपकी help कर सकती है आपको locate करने में या औरों को locate करने में कि एक्चुअल में पता चल सके कि जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं इनकी कौन कौन सी प्लेसेस हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पे आपको अलग अलग सोशल ग्रुप्स मिल सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं. As C. Wright Mills, a well-known American sociologist, has written, sociology can help you to map the links and connections between personal troubles and social issues. C. Wright Mills जो है, जो कि एक well-known American sociologist थे, उन्होंने लिखा है कि सोशियोलॉजी की मदद से आप ये कनेक्ट कर सकते हो या किसी भी पर्सनल ट्रबल्स को, सोशल इश्यूज को आप आसानी से लिंक या कनेक्ट कर सकते हो. बाय पर्सनल ट्रबल मींस द काइंड ऑफ इंडिविजुअल वरीज, प्रॉब्लम और कंसर्न दैट एवरीवन है. पर्सनल ट्रबल से मतलब हुआ मींस का कि किस तरीके की हर एक इंडिविजुअल चिंताएं होती हैं, परेशानियां होती हैं या प्रॉब्लम्स के लिए एक चिंता होती है, कंसर्न्स होते हैं, वो जो है आपको पर्सनल ट्रबल में बताए गए हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू मे बी अनहैप्पी अबाउट द वे एल्डर्स इन योर फैमिली ट्रीट यू और हाउ योर ब्रदर्स सिस्टर्स और फ्रेंड्स ट्रीट यू. एग्जाम्पल के तौर पे आप नाखुश हो सकते हो जिस तरीके से आपके बड़े जो हैं वो घर में आपको ट्रीट करते हैं या आपके भाई बहन, आपके दोस्त आपको जिस तरह से ट्रीट करते हैं. यू मे बी वरीज अबाउट योर फ्यूचर एंड वॉट सॉर्ट ऑफ जॉब यू माइट गेट. आपको अपने भविष्य की चिंता हो सकती है या आप किस तरह का जॉब करोगे, ये चीज आपको चिंता में डाल सकती है. अदर एस्पेक्ट ऑफ योर इंडिविजुअल आइडेंटिटी मे बी सोर्सेज ऑफ प्राइड, टेंशन, कॉन्फिडेंस और एम्बैरेसमेंट इन डिफरेंट वेज. और भी बहुत चीजें होती हैं इंडिविजुअल की पहचान के लिए या उनके हिस्से होते हैं, जैसे कि आपके आपके प्राइड का क्या कारण है, आपकी परेशानी का क्या कारण है, कॉन्फिडेंस है, एम्बैरेसमेंट है, ये सब भी जो है आपकी एक तरह से पहचान के अलग अलग हिस्से हैं. But all of these are about one person and derive meaning from this personalized perspective. और ये सब चीजें क्या हैं? एक ही इंसान के बारे में, एक ही इंसान की pride, tension, confidence, embarrassment, सब कुछ हो सकता है. और हम जो इसका meaning निकालेंगे, वो इसी angle से निकालेंगे कि हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं. A social issue on the other hand is about large groups and not about the individuals who make them up. सोशल इशू यानी सामाजिक, ये जो हो गई आपकी पहला वाला जो पार्ट है वो पर्सनल है, यानी एक इंसान से रिलेटेड है. लेकिन जो सोशल इशू होता है वो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के लिए होता है, यानी कि सामाजिक मुद्दा जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ सब इंडिविजुअल के लिए होता है जो उस ग्रुप को बनाते हैं. दस द जनरेशन गैप और फ्रिक्शन बिटवीन द ओल्डर एंड द यंग जनरेशन इज अ सोशल फिनोमिनन कॉमन टू मेनी सोसाइटीज एंड मेनी टाइम पीरियड्स. ये जो हम कहते हैं ना जनरेशन गैप है, बूढ़ों और यंग लोगों के बीच में जो जनरेशन होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होती है ना, जो यंग पीढ़ी हो गई उसके बाद उससे पहले की ओल्डर पीढ़ी हो गई, उसमें जो एक तनाव रहता है, ये जनरेशन गैप रहता है, ये सबसे बड़ा जो है सामाजिक प्रॉब्लम है जो कॉमन है ज्यादातर सोसाइटीज में और काफी लंबे समय से. अनएम्प्लॉयमेंट और द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ सोसाइटल इशू that concerns millions of different kinds of people. उसी तरह से ये जो काम ना मिलना है, बेरोजगारी है या जिस तरीके से काम करने का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है और उसकी वजह से जो असर आता है लोगों पे, वो भी एक सामाजिक मुद्दा है और इससे लाखों लोग जो हैं वो आहत होते हैं या लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं. It includes, for example, the sudden increase in the job prospects for information technology related professionals as well as the declining demand for agricultural labor. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एकदम से जो IT डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनका एकदम से जॉब प्रोस्पेक्ट बढ़ा दिया जाए या जो एग्रीकल्चर लेबर है उनकी जो डिमांड है वो कम होती चली जाए, तो ये सब जो है सामाजिक मुद्दे हैं जिससे एक इंसान नहीं सब लोग जो है आहत होते हैं जो सोसाइटी में रहते हैं.